अभी हम मंगोलपुरी में हैं, जहां की विधायक राखी बिरला हैं। 2013 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा को, तो उन्हें 44,000 वोट मिले थे। फिर 2015 में जब वापस चुनाव हुए तो उन्हें 60,000 वोट मिले, और 60,000 वोटों के साथ वो विधायक बनी। दिल्ली की सबसे कम उम्र की मंत्री रह चुकी हैं वो, और इस समय डिप्टी स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा में। ठीक है, यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। काफ़ी बढ़िया से काम किया है वहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने। अब की बार लोग किसको वोट दे रहे हैं? अब की बार मैं आम आदमी पार्टी को ही वोट दूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि उसका काम दिख रहा है यार हमें। कैसे? बहुत अच्छे से काम हो रहा है उनका। इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी कम आ रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं वो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दो मुंह ही बातें करें। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग या पता है कौन कह रहे हैं दो मुंह ही बात करते हैं? वो देश विरोधी कह रहे हैं, वो मोदी भक्त कह रहे हैं, वो ओनली मोदी भक्त कह रहे हैं। जो मोदी भक्त है ना, वो ही बोल रहे हैं बात। हम यहाँ के MLO के नाम पर नहीं देंगे वोट, हम खाली केजरीवाल के नाम पर वोट देंगे। ये तो आपको भी पता है यार, काम करा है नहीं करा केजरीवाल ने। ठीक है, काम करा है केजरीवाल ने, दिल्ली की जनता बोल रही है। आप गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लो, चमक गए। किसी में भी जाके देख लो, पानी का, बिजली का बिल सब में देख लो, सारे चमके पड़े। MLA काम नहीं कर रहा, किसी भी आप किसी भी वार्ड का ले लो, इतना MLA ने काम नहीं करा। वन मैन आर्मी केजरीवाल, उसने जो काम कर दिया कोई नहीं कर सकता। तो आप केजरीवाल को वोट दे रहे हो? लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि BJP आएगी। नहीं, केजरीवाल। क्यों केजरीवाल? क्यों भाई? केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है, पॉल्यूशन को लेकर काम किया। ठीक है, वोट इवन ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छा काम किया। करप्शन तो है ही नहीं, करप्शन कहाँ बताओ? दिल्ली जल बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी में, कहाँ? किस जगह बताओगे? पुलिस और अंडर ऑफिस में। केजरीवाल के इस बार ना जीतने पे पुलिस और अंडर में आ जाए इसके, बस। ठीक है, करप्शन अपना आप खत्म हो जाए। जीतने से पहले अभी 5 साल पहले जब उन्होंने दोबारा बहुमत से वो बनाई थी सरकार, 49 दिन का सर्वे चला था। 49 दिन में क्या हुआ था आपको भी पता है। कहा था कि कोई रिश्वत मांगे कुछ मत करो, वीडियो बना लो। ठीक है, कहा था। उस पर कितना करप्शन कम हो गया था, हुआ था या नहीं होता, ये पूरी दिल्ली जानती है। ठीक है, अब दोबारा अब ये आम आदमी को लाना, अगर दिल्ली में आम आदमी सरकार नहीं आती है तो दिल्ली का बुरा हाल हो जाएगा। अब मोदी क्या करेगा? इतने सारे सांसद दिल्ली में BJP के, कोई एक सांसद, किसी एक बंदे से पूछ लो, किसी एक सांसद किसी से आके मिला हो, केजरीवाल हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, आम जनता से मिल के जा रहे हैं। अच्छा, हरे मिले केजरीवाल? हाँ बिल्कुल मिले, हम गए थे यहाँ पर। अच्छा, ये NSP में गए थे, टाउन हॉल के अंदर। अच्छा, आपने आम आदमी पार्टी तो नहीं ज्वाइन किए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे ये बताइए यहाँ कुछ काम है, जैसे आप यहाँ मंगलपुरी में हम खड़े हैं। हाँ, यहाँ कोई काम बताइए। गवर्नमेंट स्कूल में जाके देख लो आप, कहाँ है गवर्नमेंट स्कूल? काम आपको चाहिए आम आदमी का, तो हर एक मकान में जाके पूछो उसका रीडिंग आ रही है, बिल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, पानी का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा। और उस गवर्नमेंट स्कूल में जाके पता करो आप, वो गवर्नमेंट स्कूल चमके नहीं चमके। आपको दिल्ली का, हमारे यहाँ के नॉर्थ में ना सबसे बेस्ट स्कूल सुल्तानपुरी C ब्लॉक, ठीक है, बिल्डिंग स्कूल बोलते हैं उसको, किसी से पूछ लो ना, उसमें जाके देखो आप, ट्रेनिंग होती है बकायदा, गवर्नमेंट स्कूल में ट्रेनिंग हो रही है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं वहाँ पर। ठीक है, आप जाके पता करो वहाँ पर, देखो स्कूल, आप खुद बोलोगे DPS फेल है उसके आगे। अगर ना हो ना, अगर DPS फेल ना हो तो मेरे से वैट लगा लो इतने की, जितने की आप बोलोगे मैं उतने की वैट लगा रहा हूँ। अब C ब्लॉक स्कूल देख लो जाके। उन्होंने मतलब साफ सफाई भी करवाया, स्कूल भी बनवाए हैं बहुत सारे। क्या कर रहे हो अभी आप? मैं स्कूल पढ़ रही हूं। कहाँ पे? K2 मंगोलपुरी। सरकारी स्कूल में जाते हो? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। अच्छा है स्कूल आपका? हाँ जी बहुत अच्छा है। के लोग क्या चाह रहे हैं इस बार, किसकी सरकार आ रही है आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? BJP के हैं सर। BJP के। ठीक है, क्यों क्यों बताइए तो। BJP ने अच्छा काम किया सर। कहाँ पे? हर जगह ही काम किया है। तो BJP कौन किसको मुख्यमंत्री बना रही है, कुछ अंदाजा? BJP का तो कुछ आया नहीं, कुछ चेहरा, कोई चेहरा नहीं आया है। हाँ। तो आप किसको वोट देंगे? हम तो BJP को देंगे। BJP को वोट देंगे। कोई दो तीन रीजन बता देंगे हमें? अच्छा, दो तीन रीजन सर, कई रीजन है, जैसे दिल्ली में काम अच्छा हो रहा है। क्या अच्छा किया दिल्ली में? तो केजरीवाल की सरकार है। हाँ, तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। हाँ, बट कुछ काम किए हैं अच्छे। किसने? BJP ने। आम आदमी पार्टी जीतेगी भैया, तो कह रहे हैं कि BJP जीतेगी। आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि उन्होंने, उनका कुछ होल्ड ही नहीं है, होल्ड तो आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, उन्होंने ही, देखो आदमी की बुनियादी जरूरत क्या होती है? हाँ, शिक्षा एंड स्वास्थ्य। ठीक है, दोनों पे काम किया है। दोनों पे काम किया है। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि BJP काम कर रही है। वो तो कुछ नहीं, वो तो कुछ भी कहेंगे, दिल्ली में कौन काम कर रहा है आपको पता ही है। हाँ, दिल्ली में तो सरकार कौन काम कर रहा है ये पता ही है, कोई भी कुछ भी कहे वो तो उसका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ। यहाँ पे
आप 90-95% लोगों से पूछ लीजिएगा। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया उन्होंने, यहाँ पे क्या दिल्ली में पूरी में। अब एक बात बताइए कि बिजली का बिल हर गरीब आदमी के घर में बिजली का बिल कितना आता है? 1600 से पहले आता था 1600-2000, अब क्या आ रहा है? जीरो। आपका कितना आ रहा है? मेरा 270 रुपये आया है। 270 रुपये है, जबकि सब कुछ लगा हुआ है घर में, AC, AC सब कुछ लगा हुआ है। सब चल रहा है? सब चल रहा है। और उसके बाद 270 रुपये? हाँ भैया, कमाल है। ये तो बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए बोल रहा हूँ कि और शिक्षा सबसे दो ही चीज़ मेन है आदमी के जीवन में, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। उसके लिए केजरीवाल जी कर रहे हैं, कोई जाति धर्म के ऊपर तो राजनीति होती नहीं है, वही चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनका मोदी जी का फैन नहीं हूँ। हाँ। मोदी जी भी बहुत अच्छे हैं अपनी जगह। मोदी जी ने भी जैसे कि अभी 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 एक मुद्दा, जैसे कश्मीर का मुद्दा सुलझाया। हाँ। जैसे कि आपका मंदिर का मुद्दा सुलझा दिया, तो वो अपनी जगह ठीक है, पर दिल्ली में तो बेस्ट अपने सेंटर में मोदी जी। यहाँ पे केजरीवाल चाहिए हमें तो। हाँ सही। अच्छा, आपको कौन चाहिए? केजरीवाल। उन्होंने साथ में है? हाँ जी। केजरीवाल क्यों चाहिए आपको? उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए अब हर चीज़ अच्छी है, जैसे? और जैसे कि पढ़ाई अच्छी चल रही है बच्चों की, हमारे लिए तो मेन इम्पोर्टेंट बच्चों की पढ़ाई है। और बच्चों की यहाँ सरकारी स्कूल काफ़ी बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चे को आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो? हाँ, सरकारी स्कूल में जाती है? हमारे यहाँ जी ब्लॉक का एक स्कूल है। हाँ, हाँ, वो सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है। तो आप वहाँ भेज रहे हो बच्चे को? हाँ, बच्चे को अभी रेगुलर। सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? नहीं, कुछ काफ़ी सरकारी में भी जा रहे हैं, काफ़ी प्राइवेट में भी जा रहे हैं। प्राइवेट में जो ये फॉर्म निकलते हैं उसमें भी तो अच्छा हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ। बुक फ्री है, ड्रेस फ्री है, ये सब फ्री चल रहा है। तो केजरीवाल इलेक्शनों में? हाँ, केजरीवाल क्यों नहीं आना चाहिए? ओके, अब मैं ये नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि मैं पॉलिटिकल मैं एक आम पब्लिक हूँ। हाँ। और एक आम नागरिक हूँ देश का। हाँ। और मेरे को केजरीवाल जी से कई बेनिफिट मिले हैं। जैसे? जैसे कि मेरा जो पानी का बिल था 15-16 हज़ार रुपये का था, ठीक है, जो कि केजरीवाल जी की सरकार में मेरा आज के टाइम में जीरो बिल है। 15-16 हज़ार कितने? एक साल का 16 हज़ार। 16 हज़ार रुपये एक साल का पानी का बिल था, जो कि आज के टाइम में जीरो है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं पे नहीं करता हूँ, क्योंकि जीरो आता है। और घर से मम्मी है और बहन है, कहीं भी आती जाती हैं, बस का फ्री। ठीक है। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी पे क्या ख्याल है आपका? देखिए, कांग्रेस तो दिल्ली में मतलब ही नहीं उसका, तो जिस हिसाब से हालात हैं उनके। और दूसरा रहा कि बीजेपी का, बीजेपी के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा गरीब आदमी के लिए भी थोड़ा कुछ सोचे। उन्होंने सिर्फ अमीरों का ही ख्याल करा है और गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा। नहीं तो आज के टाइम में बीजेपी ही दिल्ली के अंदर रहती, जो कि केजरीवाल सरकार ने सोचा इसके बारे में और समझा, जो कि आज की आम पब्लिक केजरीवाल जी को लाइक करती है। ठीक है, मुझे ये बताइए एक चीज़ कि केजरीवाल ने ढेर सारे काम किए हैं। हाँ जी। ठीक है, लेकिन यहाँ की जो राखी बिरला को जानते हैं ना, यहाँ की हाँ जी विधायक हैं। हाँ जी, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, राखी बिरला के बारे में तो यही कहूँगा, वोट जो मिल रहे हैं केजरीवाल की पे ही मिल रहे हैं, राखी बिरला से हम खुश नहीं हैं। जैसे कि इससे पहले के जो इलेक्शन हुए थे, हंस राज हंस को विधायक चुना गया था यहाँ से, ठीक है, उनको कोई नहीं जानता दिल्ली से। हाँ। बट उसके अलावा भी यहाँ से खड़े हुए जीते, क्योंकि वो मोदी के फेस के अकॉर्डिंग जीते। ठीक है। उसी तरीके से राखी बिरलानी को हम इतना लाइक नहीं करते, क्योंकि दिल्ली मंगोलपुरी के अंदर हमें उनके काम से संतुष्टि नहीं है। हम केजरीवाल की शक्ल देखते हुए उन्हें वोट दे रहे हैं कि चल कोई बात नहीं, वो नहीं कर रही, अगला दूसरा तो कर रहा है, इस बिहाफ पे हम केजरीवाल को लाइक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब राखी बिरला से कोई मतलब नहीं, केजरीवाल को वोट? सिर्फ केजरीवाल, क्योंकि जो बड़े अहम फैसले हैं। हाँ। जो बड़े फैसले हैं वो केजरीवाल सरकार लेती है, राखी बिरला नहीं लेती। राखी बिरला के पास कोई भी काम लेके उसको इंप्लीमेंट करने का, आप तक लाने का जिम्मा राखी बिरला का है। आपकी आवाज़ है राखी बिरला विधानसभा में? वो आपकी नेता है? नहीं, मैं वैसे तो है यहाँ से है, बट मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ। पर आप केजरीवाल के नाम पे? केजरीवाल के नाम पे है कि चलो यार कोई बात नहीं, कहते ना कि 4 बंदे गंदे हैं तो 10 बंदे तो अच्छे हैं।